कॉमेडी वीडियोस में किस तरीके से शूट एडिट सब कुछ करना है, जो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी वहाँ पे काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सिनेमैटिक ट्रांजिशन, सिनेमैटिक शॉर्ट्स हमें बताओ। तो आज मैं आपको 3 ऐसे मेरे फेवरेट शॉर्ट्स सिनेमैटिक वाले वो बताने वाला हूँ, जो बहुत अच्छी ट्रांजिशन के साथ बहुत प्रोफेशनल लेवल के आपको लगेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको शॉर्ट्स लेने से पहले ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें जितना स्लो मोशन में आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। स्लो मोशन करके आप ये तीनों शॉर्ट्स लेना, जिसमें सबसे पहला शॉट है हमारा कि हम पेड़ की मदद से सिनेमैटिक ट्रांजिशन हम करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, ये यूज़ किस लिए होता है पहले उसको बता देता हूँ मैं। अब जैसे आपने किसी मूवीज़ के अंदर देखा हो कि वो चलते चलते एक इंसान बिना किसी कट के, कोई कट हमें नज़र नहीं आया लेकिन लोकेशन उसकी चेंज हो गई, तो उसके लिए हम ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे फ्रेम को कवर करे। जैसे यहाँ पे पहला शॉट हमने लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है और हमने सिर्फ लेफ्ट से राइट की तरफ कैमरा किया और हमारा जो कैमरा का फ्रेम था वो हमने एंड की तरफ आते आते पेड़ से पूरा कवर कर दिया। अब पेड़ से पूरा कवर कर दिया, यहाँ तक हमारा पहला शॉट। दूसरा जो शॉट लेंगे हम ठीक उसी डायरेक्शन में अपना कैमरा मूव करते हुए किसी दूसरे पेड़ के वहाँ से हम शूट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरी लोकेशन हमने ले ली, यहाँ पे पेड़ से चलता हुआ हमारा करेक्टर आ रहा है पेड़ के पीछे से और वहीं से हमने बैकग्राउंड में पूरा सब्जेक्ट को ले लिया। ये सिनेमैटिक ट्रांजिशन कुछ इसी तरीके से बहुत अच्छी लगेगी। आपको सिर्फ कट वहाँ लगाना है जहाँ पे आपका पेड़ पूरे फ्रेम को कवर कर दे, बस इतना ही करना है और इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी ट्रांजिशन जो बड़ी सिनेमैटिक हो जाएगी। तो देखो ये जो वीडियो मैंने शूट करी ये मैंने दिल्ली में जाके करी और इतनी गर्मी मार्च के टाइम पे आ चुकी है ना, अब अप्रैल शुरू होने वाला है, इतनी तेज गर्मी है ना, इस गर्मी में मैं जल के पागल हो जाता, और एक्चुअल में हो गया था बस जला नहीं था। जला क्यों नहीं था, क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगा के गया था और चेहरे के लिए सनस्क्रीन एक्चुअल में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना इस गर्मी में, क्या बताऊँ भाई साहब, इतनी गर्मी मतलब अगर मैंने सनस्क्रीन ना लगाई होती ना, मेरा ये चेहरा जो है ना, मेरे ये जो हाथ है ना, इतने बुरी तरीके से टैनिंग हो चुकी होती। शुक्र है मैं सनस्क्रीन लगा के गया था। अब देखो जो सनस्क्रीन मैं लगाता हूँ या फिर जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, आप सभी को पता है मैं मामा अर्थ के ही यूज़ करता हूँ, तो जो सनस्क्रीन मैं यूज़ करता हूँ वो भी मामा अर्थ की ही है। अब जैसे मैंने 2 सनस्क्रीन मंगवाई स्पेशली मामा अर्थ की वेबसाइट से, अब एक है ये हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन और दूसरी है हमारी अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। देखो इंडियन यानी कि मतलब मेड इन इंडिया भी प्रोडक्ट है, तो ये ऊपर से ना मामा अर्थ कंपनी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि ये इनकी जो कंपनी है ना बड़ी प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, यानी कि जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रिसाइकल भी करते हैं। और 2025 तक इनका इनिशिएटिव भी है कि ये ना 1 मिलियन पेड़ लगा देंगे भैया, और 1 मिलियन पेड़ लगाएंगे अपनी मामा अर्थ के लिए, तो मामा अर्थ कुछ अच्छा काम तो कर रहा है ना, तो उसमें भी अपना थोड़ा सा योगदान चला जाता है जब हम इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो मुझे अब ये अल्ट्रा लाइट वाला जो है इनकी सनस्क्रीन है ये पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखो ये वाली जो सनस्क्रीन है ना ये बड़ी ईजी है, मतलब कि चिपचिपी भी महसूस नहीं होती। अब ये जो अल्ट्रा लाइट वाली है ये मैं यूज़ करता हूँ अभी इन दिनों गर्मी में, तो इसको लगाना भी बड़ा आसान है। थोड़ी थोड़ी से ये लगाओ ऐसे अपना, जहाँ पे भी आपका जो एरिया है बॉडी पार्ट है, जैसे आपका फेस, आपके हाथ, कोहनी तक पूरी हाफ बाजू की शर्ट में पहनता हूँ, आपका गला, आपकी गर्दन, सारी जगह आप ऐसे ऐसे करके लगाओ इनको, इस तरीके से अपनी फिंगर टिप्स की मदद से रब कर दो अच्छे से। इसके अंदर देखो आपको कैरेट सीड मिल जाते हैं और साथ ही साथ में ये टर्मरिक भी है, तो यानी कि ये जो अल्ट्रा लाइट वाली है ना ये आपकी जो टैनिंग ऑलरेडी है उसको भी कम करने में मदद करती है। वहीं पे दोनों की दोनों ये जो है ये SPF 50 वाली है, और दूसरी ये जो सनस्क्रीन है ये है हमारी SPF 50 के साथ, इसके अंदर आपको रेस्टबेरी और हमारे एलोवेरा भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी नेक, आपके हाथ के लिए, जो भी है जहाँ पे भी टैनिंग आपकी होगी, जहाँ पे भी आपका जो सन है वो धूप मारेगा बड़ी तेज ऐसे, वहाँ पे आपको बचा लेगी भैया। दोनों ही SPF 50 वाले हैं और दोनों को ना आप कहीं से परचेज कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका। तो मामा अर्थ की ना अपनी खुद की वेबसाइट और एप्लीकेशन भी है, जहाँ पे आप मेरे वाले ये कोड लगाओगे ना तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर तो आप धूप में बाहर शूट करते हो, बाहर किसी भी तरीके की आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो, तो अपनी स्किन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेक श्योर करें आप सनस्क्रीन जरूर लगा के जाएं। और ये वाला जो कोड है आप हमारा मामा अर्थ की वेबसाइट पे या ऐप पे जाके यूज कर सकते हैं, काफी सारी चीजें, काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दूसरी ट्रांजिशन है हमारे स्पेशली हीरोज के लिए या विलन के लिए, जब वो भागते हुए का शॉट आपने देखो कि वो भागते हुए आ रहा, एकदम वो भागा, हवा में उड़ा और वो लोकेशन चेंज हो गई, तो वो कुछ इसी तरीके से होते हैं कि कैमरामैन जो है आपका नीचे लेट जाएगा या फिर आप किसी ट्राइपॉड पे भी कैमरा लगा सकते हैं।
वहाँ पे फिर आपको क्या करना है उसके बाद, इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो कैमरामैन है वो नीचे लेटा होगा, कैमरा आपका ऊपर की तरफ होगा, एक लोकेशन से आपका हीरो भागता हुआ आएगा और कैमरा के ऊपर से जंप लेगा, यहाँ पे आपको कट लगा देना है। दूसरी लोकेशन पे आप जाओगे सेम उसी तरीके से कैमरामैन नीचे लेटेगा या फिर ट्राइपॉड पे आप शॉट लगाओगे और आपका जो हीरो है वो दोबारा से जंप लेगा, लेकिन इस बार जो आपका कैमरा है वो जंप के दूसरी तरफ होगा जैसा इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इन दोनों शॉट्स को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको काफ़ी एक सिनेमैटिक सी एक अलग सी लोकेशन भी मिलेगी कि जंप कहीं से ली थी और पहुँचा कहीं और, वो बड़ा ही एक अलग सा सिनेमैटिक शॉट हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम तीसरे शॉट की तरफ। तीसरा शॉट हमारा सबसे फेवरेट शॉट है, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छी ना मूवीज़ के अंदर भी ये यूज़ हुआ, मैंने काफ़ी बार देखा है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो भी आपकी लोकेशन है उस लोकेशन से आप अपने कैमरा की मूवमेंट को शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे 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 अपने कैमरा जो है आपका कैरेक्टर के फेस के पास आप ले जाएंगे। आपके कैमरा फ्रेम को बेसिकली आपके हीरो जो है, जो भी हीरो जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसकी मदद से आप अपना पूरा फ्रेम को कवर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया कि हमारा जो हीरो है उनकी दोनों आँखों की तरफ हम कैमरा को ले गए और हमने यहाँ पे शॉट को ख़त्म कर दिया। दूसरा शॉट हम वहीं से शुरू करेंगे, दूसरा कोई लोकेशन पे आप जाएंगे, सेम हीरो की आँखों से आप शुरू करेंगे और पीछे कैमरा ले आएंगे, बैकग्राउंड आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप बारीक कट लगाएंगे कि बिल्कुल आंखों तक पहुँचे, कट लगा दिया, दूसरा शॉट भी बिल्कुल वहाँ से शुरू करा जहाँ से कट लगाया हमने, तो कुछ इस तरीके का शॉट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज़ ये तीनों शॉट्स जो हैं मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। आई होप आपको पसंद आए।